मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामदास यादव। और स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट टिश्यू। प्रीवियस वीडियो वी सी मेसमेटिक टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेसमेटिक टिश्यू, देयर कैटेगरी लाइक एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलियन मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम, एज वेल एज इन परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ वी विल सी इन दिस वीडियो अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज मीन्स कॉम्प्लेक्स, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी ऊतक ना। तो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या है द ग्रुप ऑफ सेल्स, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स बट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। दोज ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर डिफर इन स्ट्रक्चर बट देयर फंक्शन आर सेम आर टूगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? वे उत्तक जिनकी की संरचनाएं क्या है अलग अलग हैं, बट लेकिन उनका कार्य क्या है, एक जो विशिष्ट कार्य को करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। जाइलम, क्या जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। जाइलम फर्स्ट वी विल सी अबाउट जाइलम, देन आफ्टर फ्लोएम। तो जाइलम और क्या है, दिस इज जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर कंडक्ट करता है ना। मीन्स जाइलम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट लीव्स एंड जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक कंडक्शन ऑफ वाटर। देखिए जो है जाइलम क्या है टेंस की, यह एक जटिल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। यह जो इसमें फोर टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, उनके नाम क्या है, देखिए जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम बेसिक्स, नेक्स्ट है जाइलम ब्रैकेट्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं वह एक स्पेसिफिक फंक्शन को कार्य करते हैं। कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन है, दिस वन, एक यहाँ स्पेसिफिक फंक्शन है इसमें जाइलम का। ये सभी मिलकर क्या करती हैं, वाटर का कंडक्शन करती है। That's why it is known as complex. Complex means definition से आपको बताया गया था कि group of those cells which are similar, which are differ in their structure but perform a specific function. एक ही कार्य करते हैं सभी। तो आप देख लीजिए इसमें जो जाइलम फाइबर्स है, बेसल्स है, ट्रैकेट्स है, ये क्या है, डेड सेल्स है, ऑल डेड सेल्स, बट लिविंग है। देखिए किस तरह के होते हैं, देखिए देखिए जो है ये जो है
जैलम फाइबर है, दिस वन जैलम ब्रैकेट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम ब्रैकेट्स, ये क्या है, जाइलम वेसल्स है और दिस वन इज लिविंग। जब होगा तो इसमें न्यूक्लियस होगा और दूसरे ऑर्गन्स भी होंगे। ये क्या है, जाइलम पैनकाइमा, ठीक है ना, जाइलम में जाइलम फाइबर से जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट, और ये क्या है, वेसल, वेसल मींस नली, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, कि यह जो दीज सेल्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, मींस जो रूट से, रूट में देखिए, रूट में क्या होता है, रूट पर जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर, और वह ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू जो कैपिलरी वाटर सॉइल में होता है उसको एजाब करता है। और जाइलम, ये जो जाइलम है वह रूट तक फैले रहते हैं ना, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर तक फैले रहते हैं और वहाँ से वह एजाब करते हैं और यह लीव्स तक पहुँचाते हैं ना। तो इनका फंक्शन यह फ्लावर जो लीव्स में क्या होता है, जो पॉलीसेट मिसोफिल सेल्स होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ तक ये वाटर जाता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, समझ गए इसका फंक्शन ना। तो ये देखिए फाइबर के अलग पतले थोड़ा होते हैं सब, और जो ट्रैफिक सबसे थोड़ा वाइड होता है, और ये बेसल की आकार का होता है। देखिए ये जो है ना, एंड पर क्या नैरो होते हैं, एंड पर क्या होते हैं, फाइबर्स आर नैरो एट बोथ एंड्स, एंड ट्रैकेट्स भी नैरो होते हैं लेकिन इससे थोड़ा वाइड होते हैं, इससे थोड़ा चौड़े होते हैं। और बेसल्स क्या है, पूरा जो है इसका विड्थ बराबर होती है, ये डेड सेल्स है, ये डेड सेल्स है, ठीक है ना। और ये क्या लिविंग है, लिविंग फूड स्टोर करता है, लिविंग सेल। तो ये फंक्शन हो गया इसका, क्या है, जाइलम का स्टूडेंट, दिस इज वाटर कंडक्टिव टिश्यू ना, वाटर कंडक्टिव, या दिस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जाइलम प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ वी विल सी द सेकंड वन कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट टिश्यू व्हिच इज फ्लोएम। फ्लोएम को देखेंगे हम, फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, फूड भेजता है। एंड इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स, फोर टाइप्स ऑफ सेल्स, देखिए क्या क्या है, सीव सेल्स या सीव ट्यूब, ठीक है ना, दूसरा है फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स, क्या है, कंपेनियन सेल्स। देखिए तो इसमें स्टूडेंट्स यह है, इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं हम, लिविंग जो किया, देखिए यह जो है वन टू थ्री, तो फ्लोएम में जो सीव ट्यूब है या फ्लोएम पैरेन्काइमा या कंपेनियन सेल्स हैं,
ये क्या है, लिविंग है बट फाइबर इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और डेड, ओके नॉन लिविंग और डेड होते हैं सब। देखिए इसका क्या है स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये क्या है क्या है, यह जो है इसे दिस वन इज कंपेनियन सेल, कंपेनियन कंपेनियन सेल, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है सब इंटर कंपेनियन सेल्स हैं एंड दिस इज सीप ट्यूब। सीप में जानते हो क्या होता है, सीप सीप में चलनी है छलनी ना, इसे ये क्या है सीप सेल्स है, ये क्या है सीप सेल्स, सीप सेल्स, सीप सेल्स और ये सीप ट्यूब है ना, तो इससे और यह जो दिस वन इज फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब जो है इसे मींस ये जो लिविंग सभी लिविंग पार्ट है, दिस इज लिविंग पार्ट एंड फ्लोएम फाइबर इज नॉन लिविंग, और ये ग्लूकोज का इसे क्या, इससे ग्लूकोज क्या होता है ट्रांसफर होता है, कंडक्शन होता है ग्लूकोज का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, देखिए क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है जो है ग्लूकोज का स्टोरेज करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा में, ठीक है, और यह डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड करता है फ्लोएम, लेकिन फोटोसिंथेसिस में अगर फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, और उस स्टार्च को डिफरेंट प्लांट पार्ट के डिफरेंट भागों में पहुंचाने का क्या उत्पन्न करता है फ्लोएम, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलोकेशन, दिस कंडक्शन ऑफ फूड और कंडक्शन ऑफ स्टार्च टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ओके स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग फूड और स्टार्च इन प्लांट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ओके ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।